हार्दिक पांड्या के फैमिली फंक्शंस में शामिल होती है नताशा, परिवार ने किया स्वीकार। बॉलीवुड और क्रिकेट का कनेक्शन बहुत पुराना है। आए दिन बॉलीवुड हसीनाओं के प्यार में क्रिकेटर्स बोल्ड होते रहते हैं। अब आप हार्दिक पांड्या को ही ले लीजिए। हार्दिक पांड्या अब तक कई हसीनाओं के प्यार में पड़ चुके हैं। सबको पता है कि हार्दिक पांड्या अब तक कई बॉलीवुड हसीनाओं का दिल चुरा चुके हैं। हार्दिक अब तक कई बी टाउन ब्यूटीज को डेट कर चुके हैं। इनमें ऐशा गुप्ता, एली अवराम और उर्वशी रौलेटा नाम शुमार हैं। बीते दिनों से ही खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या हॉट एंड बोल्ड नताशा स्टेनकोवे को डेट कर रहे हैं। खबर है कि नताशा और हार्दिक बीच लव अफेयर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दोनों के बीच नजदीकियां खूब बढ़ चुकी हैं। अब लीजिए खबर आई है कि दोनों का प्यार परिवार तक पहुंच चुका है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पांड्या फैमिली के फंक्शंस में अब नताशा भी शरीक होती हैं। नताशा को हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर अपने परिवार से मिला चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि हार्दिक की फैमिली ने नताशा को एक्सेप्ट कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में हार्दिक के भाई कृणाल पांड्या और उनकी वाइफ पंखुड़ी ने दिवाली पार्टी रखी थी। ये पार्टी सिर्फ करीबी लोगों के लिए थी। इस पार्टी में नताशा भी गई थी। इतना ही नहीं, हार्दिक कजिन तानिया शर्मा की बर्थडे पार्टी में भी नताशा शामिल हुई हैं। अब ऐसे में इन सबसे साफ हो जाता है कि एली के बाद अब नताशा ही वो हैं जिन्हें पांड्या फैमिली से हरी झंडी मिली है। बता दें कि एली अवराम भी ऐसे ही पांड्या फैमिली के फंक्शंस में जाती थी, लेकिन अफसोस बाद में एली से हार्दिक का ब्रेकअप हो गया था। हार्दिक पांड्या बीते दिनों ही करण जौहर के शो कॉफी विद करण में गए थे, तो उन्होंने शो पर कुछ ऐसा कहा था कि उन्हें चारों तरफ से निशाना बना लिया था। हार्दिक ने शो पर महिलाओं को लेकर काफी अभद्र बातें कह दी थीं, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया था।